पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ जुम्मा अलविदा की। जुम्मा अलविदा हमारा बहुत भाईचारे का प्रतीक है और एक इबादत का प्रतीक है। इसमें इबादत होती है और देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी जनता के लिए इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। और रही बात दलितों की, हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं अश्विनी त्यागी जी, वो दलितों में, खासकर दलितों में उनकी पैठ बहुत ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है 2019 में क्षेत्र से सभी सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी त्यागी जी के नेतृत्व में जीतेंगी, ये मेरा विश्वास है। अश्विनी त्यागी जी बहुत ईमानदार, नेक सज्जन और दलितों के हित को देखने वाले, दलितों के हमदर्द दर्द समझने वाले। और वो उन्होंने वायदे किया कि दलित समाज को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे, ये उन्होंने वायदा कर रखा और जोड़ भी रहे हैं। वो क्षेत्र जो मीटिंग क्षेत्र की हुई है, जो अभी क्षेत्र का वो चला था, उसमें कहा उन्होंने कि नए और पुरानों का सबका सम्मान किया जाए, कोई नया आया है या पुराना है, सभी का सम्मान किया जाए। अगर नए लोग हम नहीं जुड़ेंगे, जोड़ेंगे या हम लोग नहीं जोड़ेंगे उनको, तो उन 2019 हम कैसे जीतेंगे। हमें सभी को साथ लेके चलना है, नए और पुराने को सबका सम्मान करना है। और हम यही चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, क्षेत्र की जनता से, कि भारतीय जनता पार्टी जो मेन बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत किसी कार्यकर्ता को नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का सम्मान करें और प्रदेश की तरफ से, हमारे हाईकमान की तरफ से ये अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि हर कार्यकर्ता का सम्मान हो, पुलिस अधिकारियों को, सभी विभागों में, कि कोई कार्यकर्ता जाता है तो उसका सम्मान किया जाए, उसका बात सुनी जाए, उसका बात सुन करके उसके जो समस्या है उसका निवारण किया जाए। यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, क्षेत्र अध्यक्ष जी ने सभी लोगों को कहा है। और जो जिला अध्यक्ष हैं, महाराज अध्यक्ष हैं, वो भी हर कार्यकर्ता की बात सुने, उसकी समस्याओं को सुने, उसका हर कार्य में साथ दें और उसका निवारण करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।